और मोदी इलेक्शन हारेंगे और कांग्रेस वहां पर इलेक्शन जीतेगी। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने जंगी जुनून में मुब्तला मोदी के इलेक्शन अहदाफ बेनकाब कर दिए। कहा 300 सीटों के लिए मोदी कितने फौजियों को मरवाओगे। राहुल समेत 23 पार्टियां अपोजिशन में इकट्ठी हुई हैं जनाब स्पीकर, इसके बावजूद जो उसने हिंदू दत्त की वहां एक फजा बना दिया है। देखिए केजरीवाल ने जो कहा है वो भी शायद आपने सुना होगा, जो दौलत ने कहा है वो भी सुना होगा, जो सिन्हा ने कहा है को कुर्बान करोगे, और यही 21 पार्टी जो हैं जो शायद अगले गवर्नमेंट बनाए, इससे माफ करिए हमारे लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ मोदी पोल्स में हारने का इम्कान है। बड़ी अच्छी बात है कि इन्होंने भी कहा बैरिस्टर सैफ साहब ने कि खुदा ना खास्ता अगर मोदी जीत जाता है। मेरा एक सिंपल सवाल ये कि अगर मोदी नहीं जीतता है और बीजेपी को अपोजिशन बेंचों पे बैठना पड़ता है तो क्या कांग्रेस के साथ हम मसला कश्मीर पे बात कर सकते हैं? वो तो इस तरह की ढिटाई का सबूत देगी बींग अपोजिशन कि वो कोई भी बात पाकिस्तान के साथ नहीं करने देगी। बीजेपी अगर अपोजिशन में बैठती है कांग्रेस को, यानी जो गवर्नमेंट में होगी। बिल्कुल, बीजेपी जो है उसका तो रवैया हम सबको मालूम है एक एक कश्मीर के बारे में जो उन्होंने अब तक रवैया अपना रखा है। और ये जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे थे बिल्कुल बजा है कि उन्होंने हिंदुस्तान को एक इंतहा पसंदी का रुख दे दिया है। हिंदुस्तान जो है वो हिंदुत्व के लिए है, हिंदुओं के लिए है, वो किसी और के लिए नहीं है। खुल्लम खुल्ला मंदिर मस्जिद गिरजाघर सबको मिसमार किया जाना, अकलियतों पर बारहा हमले करना और किसी को वहाँ सुख का चांद सांस जो है वो ना लेने देना, ये मोदी का एजेंडा है। और इसके तहत आरएसएस जिसका वो आज भी सरगर्म रुकन है वही एजेंडा वो आगे लेकर चल रहे हैं। तो भारत का वो जो एक सेकुलर इमेज है वो तो खत्म हो चुका कि ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है। बार बार वहाँ पे जो इंतहा पसंदी की तहरीकें हैं और जो खुल्लम खुल्ला सड़कों पे ये जो आरएसएस के तहरीक के जो कारकुन हैं वो तो खुल्लम खुल्ला कहते हैं। और ये भी अब बीजेपी ने कह दिया कि अगर बीजेपी इलेक्शन जीतती है तो जो थोड़ा बहुत अकलियतों का हक है वो भी छीन लिया जाएगा। भारत खालसतन सिर्फ हिंदुओं के लिए है और हिंदू ही इसमें रह सकते हैं, तो इससे बढ़ के जो इंतहा पसंदी है उसको हवा और कौन देगा। लिहाजा इनका अपोजिशन में बैठना ये कश्मीर के मामले को मजीद बिगाड़ेगा। इनके होते हुए कांग्रेस जो है अगर वो कश्मीर में पेशकदमी करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकेगी, मैं 100% इस पर यकीन रखता हूँ। यानी बीजेपी वाले शायद, लतीफ साहब आपके बात से मैं कंक्लूड करूं कि बीजेपी हुकूमती बेंचों पे भी नुकसानदेह है और ओपोजिशन बेंचों पे भी नुकसानदेह, खास तौर पे मसला कश्मीर हल करने के लिए बीजेपी कभी हाथ नहीं पकड़ाएगी, क्योंकि बीजेपी को मेरे ख्याल से मिस एडवेंचर करने का और एंटाई मुस्लिम एंटाई माइनॉरिटी कार्ड खेलने का पता नहीं क्यों मजा आता है, पता नहीं क्या। मोदी ने जो नक्शा दिया है वो जंग का दिया है, जो रूल्स जो कश्मीर पर वो कब्जा करना चाहता है और जो कश्मीरियों को सहूलत है आइन और आर्टिकल के तहत इंडिया के तहत वो ख़त्म करना चाहता है, जो बाबरी मस्जिद का उसने मंशूर दिया है वो ऐलान जंग है। अल्टीमेटली अगर मोदी जीतता है तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के तल्लुकात ठीक नहीं रहेंगे। भारत में फिर होगा मोदी का राज। लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को 294 सीटों के साथ वाजिब अक्सरियत मिल गई। सरकारी नताज के मुताबिक हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेट अलायंस 542 के एवान में मजबूती तौर पर 347 नशिस्तें ले उड़ी। राहुल गांधी की जमात कांग्रेस सिर्फ 54 नशिस्तें हासिल कर सकी, अपोजिशन इत्तेहाद 98 सीटें ही हासिल कर सका। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इलेक्शन में कामयाबी पर नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद पेश की गई है। ट्विटर पैगाम के जरिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी को मुबारकबाद दी है और अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी और उनके इत्तेहादियों को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मोदी के साथ खत्ते में अमन और तरक्की के लिए काम करने की ख्वाहिश है। ज्वाइन किया है संजय शर्मा ने, भारतीय सहाफी हैं। संजय, आपको 24 न्यूज़ की स्क्रीन पर वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। हमारे सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है, नजम सेठी साहब मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, अगर वो भी आपसे सवाल करना चाहें तो उन्हें भी कहेंगे सवाल कीजिए। मेरा आपसे ये सवाल है कि 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि मोदी ने अपनी जो स्ट्रेटेजी थी उसे तब्दील कर दिया, वो बिल्कुल ही एंटी मुस्लिम हो गई और वो इलेक्शन जीत गए हैं? लेकिन 5 साल में ऐसा कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसमें एंटी मुस्लिम कोई ऐसी छवि बनती हो।
पांच साल में नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीता, न केवल अपने देश के लोगों का बल्कि अक्वामी बैन अक्वामी खित्ते में सारे लोगों का, कई देशों का विश्वास जीता और सारे लोग अब नरेंद्र मोदी यानी हिंदुस्तान के साथ है। हिंदुस्तान सारी चीजें जो बताता है उस चीजों को लोग बहुत सीरियसली गौर करते हैं। तो ऐसे में एक जो इमेज है मुल्क की, हिंदुस्तान की, वो एक नई इमेज बन के आई है। नई इमेज बनाने का दावा पाकिस्तान के वजीर आजम ने भी किया था कि नया पाकिस्तान आएगा, लेकिन नया पाकिस्तान पुरानी सोच के साथ नया पाकिस्तान कैसे चल पाएगा? अगर आप नया तो इंटायर नया होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने या नरेंद्र मोदी से पहले राजीव गांधी या उससे भी पहले की अगर हम बात करें तो इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अमन की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन हमें अफसोस इस बात का रहा कि पाकिस्तान उन कोशिशों के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाया और जिसकी वजह से हमारी सारी कोशिशें बेकार हो गई। लेकिन संजय, पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की गई है, हमारे वजीर आजम ने एज अ गुड जेस्चर जो है, जब उनकी हल्फबरदारी की तकरीब थी तो उन्होंने हर चीज को जो है सोचे समझे बगैर उन्होंने कहा कि मेरा दोस्त इंडिया से यहाँ पर आएगा और आपके वहां से मेहमानों को मधु किया गया था। तो सर, मेहमानों को तो मधु किया जाता है नजम सेठी साहब, यहाँ पर तो रिवायत है कि हम लोग दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, हमने तो अभिनंदन को भी इस जेस्चर में छोड़ा है। नजम सेठी साहब, अभिनंदन को बड़ी मजबूरी में छोड़ना पड़ा आपको, क्योंकि वो वीडियो पहले ही जारी हो गए थे। पाकिस्तान भारत के लिए कितनी अहमियत रखता है नरेंद्र मोदी का दूसरी बार हुकूमत में आना? जी शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तस्लीम करना होगा कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं था। मैं हिंदुस्तान में था कुछ माह पहले और वहाँ ये बात हो रही थी कि नरेंद्र मोदी साहब वापस आएंगे लेकिन कम सीटों के साथ आएंगे, वो जो 272 का हदफ है उनके लिए सिंपल मेजोरिटी का वो पूरा नहीं कर पाएंगे। अब तो लग रहा है शायद मामला ये 300 से ऊपर चला जाए तो मजबूत होके आएंगे इसमें। जी 350 नहीं, मैं अलायंस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं कि नहीं, मैं अलायंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी ऑन इट्स ओन भी अब सिंपल मेजोरिटी ले लेगी और अगर वो होगा तो एक बहुत ही मजबूत वजीर आजम बन के आएंगे। जी जी जी, मैंने कहा ले चुके सिंपल मेजोरिटी से आगे आ गए वो एक मजबूत। मेरी अगर आप अर्ज सुन लें भारतीय इंतखाबात में, क्योंकि रीजनल सीट्स आती हैं, ये अभी कबलज वक्त है कहना कि उनका अल्टीमेट नंबर क्या होगा, वो अभी हम देखेंगे। मैं जो आपको अर्ज कर रहा हूँ वो ये है कि एक मजबूत बहरहाल वजीर आजम बन के वो उभरे हैं और उन्होंने अपनी सारी कैंपेन बेशतर कैंपेन एंटी पाकिस्तान एजेंडा पे की है पुलवामा के बाद से, तो ये एक खुशाइन बात नहीं है हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात के लिए। मोदी का भारत जीत गया, ये सिर्फ राहुल गांधी की शिकस्त नहीं, दर हकीकत सेकुलर इंडिया के बानी महात्मा गांधी के नजरिए की शिकस्त है। भारत में 7 मराहिल में मुकम्मल होने वाले आम इंतखाबात में भारतीय जनता पार्टी और इसके इत्तेहादियों को वाज़े सबकत हासिल हो गई है। नरेंद्र मोदी ने इस बार की इलेक्शन कैंपेन किस बात पर लड़ी? भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है, तो हमारे पास क्या है भाई, ये दिवाली के लिए रखा है क्या? बीजेपी की जीत में इंडियन मीडिया का कितना किरदार है? गुड इवनिंग व्यूअर्स, जय हिंद एंड भारत माता की जय। इंडिया हैज स्ट्रक पाकिस्तान एंड वी हैव स्ट्रक देम हार्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वी हैव स्ट्रक देम स्ट्रेट इन द फेस। वो कौन सी वजूहात हैं जिन पर भारत की आवाम ने दोबारा मोदी सरकार को चुना है? नरेंद्र मोदी के दोबारा वजीर आजम बनने से पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असरात होंगे और खित्ते की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? आज काफी हद तक नतायज आ गए इंडियन इलेक्शंस के और लगभग कोई 344 सीट्स जो हैं वो बीजेपी के पास आई हैं और अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं और 97-98 जो है कांग्रेस को मिली हैं। तो सर, यहाँ पे सवाल मेरा ये बनता है कि क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे इस तरह का रिजल्ट आएगा? मैं ये समझता हूँ कि ये एक नई डेवलपमेंट हुई है इंडिया के अंदर कि 5 साल नरेंद्र मोदी ने गुजारे। पहले जब वो आए थे तो उनका एजेंडा था इकोनॉमिक्स का, इस दफ़ा भी और उस एजेंडे में उन्होंने कहा था कि मैं 5 साल में 2 करोड़ नई मुलाजमतें दूंगा, मैं शहर जो हैं इनको सिंगापुर और सोल के जैसे शहर बना दूंगा, हाई स्क्रैपर होंगे, फार्मर्स के लिए ये पैकेज होगा, वो होगा, यू नो बुलेट ट्रेन्स चलेंगी, इस किस्म की बातें की। सर, ये मोदी साहब का तो आपने जिक्र किया लेकिन कांग्रेस का
जो आपने कहा कांग्रेस की स्ट्रेटेजी नहीं चली, वो क्या वजूहत थी जिस वजह से कांग्रेस को ये फेलियर देखना पड़ा? देखिए, कांग्रेस के बारे में दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी के अंदर कोई स्पार्क नहीं है। अच्छा। और वो आज से नहीं, 5 साल हो गए हैं लगा हुआ, कभी इधर कभी उधर। उसके बारे में वो जैसे कहते हैं ना, जो कि लीडर की जो क्वालिटीज जो नज़र आती हैं, जो लीड करता है, दिलेरी होती है, जज्बा होता है, जोश होता है, इंस्पिरेशन करता है, वो राहुल में नहीं है। राहुल गुडी गुडी बॉय, और वो कोई एजेंडा और कोई स्लोगन भी नहीं कर सके। उन्होंने दो किस्म की चीज़ें की, एक तो मोदी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगाने की कोशिश की, वो एक जेट डील थी रफाले की, उसके ऊपर किया, वो भी सही तरीके से नहीं किया। अच्छा। अपना होमवर्क नहीं किया, उसको पूरा परस्यू नहीं किया, बात करके फिर अधूरी छोड़ दी, और वो मोदी के ऊपर वो मोर ऑन मोर नहीं लगी करप्शन की। हालांकि वो केस बन सकता था ठीक ठाक अगर बनाया जाता तो, और कांग्रेस ने वो ठीक नहीं किया। इसी तरीके के साथ कांग्रेस ने सबसे बड़ा प्रॉब्लम कांग्रेस का ये है कि 40 साल एक गांधी और नेहरू की डिनेस्टी चल रही है, और हो ये रहा है कि दिन ब दिन उसके जो जो लोग लीडर्स आ रहे हैं नेहरू गांधी में से, उनका लीडरशिप का कैलिबर गिरता जा रहा है। अच्छा। देखिए, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी बड़ी तकड़ी लीडर थी जी, मगर इंदिरा के बाद सोनिया जब ये बनी तो सबसे पहले सोनिया के ऊपर इल्जाम ये था, ये राहुल राजीव बना ना जी, राजीव जो है उसके बारे में भी शुरू शुरू में यही कहा जाता था गुडी गुडी पायलट था, सियासत में इंटरेस्टेड नहीं था, जबर आफ्टर आना पड़ा, आना पड़ा वालदा की वफात के बाद डिनेस्टी को चलाने के लिए, तो वो भी उसके ऊपर एक शक शुबा का चलता था, और वो भी कोई बड़ा लीडर इंडिया का नहीं बन सका। तो उसके बाद फिर सोनिया ने टेक ओवर किया, सोनिया के ऊपर सारा वक्त इल्ज़ाम लगता रहा, इटालियन इटालियन इटालियन। अब इंडिया के अंदर बड़ी सख्त नेशनलिज्म है, पहले वो सेकुलर नेशनलिज्म थी, अब वो हिंदू नेशनलिज्म बन रही है। अच्छा। मगर नेशनलिज्म बड़ी स्ट्रांग है। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब इंडिया में जाता था मैं, जिस कोने में मैं इंडिया में जाता था, मगर मैं पूछूं कि आप कौन हैं, तो वो कहते थे मैं इंडियन हूँ। हालांकि बंगाल में ये कह सकते थे मैं बंगाली हूँ, तमिलनाडु में कुछ और कह सकते थे, पंजाब में कहे मैं पंजाबी हूँ। जैसे यहाँ आप 10 लोगों को पूछे तो उसमें से 4 कहेंगे मैं पाकिस्तानी हूँ, 3 कहेंगे मैं मुसलमान हूँ, 2 कहेंगे मैं सिंधी बलोच हूँ या पंजाबी हूँ या पठान हूँ। तो यहाँ वो इस किस्म के प्रॉब्लम थे, इंडिया में कभी ऐसे प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। इंडिया में वो हमेशा कहते थे मैं इंडियन हूँ, मगर अब क्या हो रहा है, अब वहाँ भी इंडियन की जगह पे हिंदू की जो आइडेंटिटी है वो सामने आ रही है। तो इस किस्म के वहाँ इश्यूज थे। और डिनेस्टी का जो इश्यू है जी, ये भी इंडिया के जो नए पौध आई है, मिलेनियम्स जिसे हम कहते हैं, वो तबका जो के 30 साल से 18 और 30 साल के दरमियान है, इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ा चंक है ऐसे बच्चों का, ऐसी पॉपुलेशन का, उनको डिनेस्टी से कोई शक प्यार। तब्दीली का ये भी मतलब है कि जो पुरानी डिनेस्टी फैमिली के जो खानदान चल रहे हैं वो भी बंद हो, बहुत हो गया। तो हिंदुस्तान में भी ये तब्दीली का जो नारा है, वहां भी ये तब्दीली कांग्रेस के खिलाफ गई है। अच्छा। कि बहुत हो गया, और ऊपर से राहुल की पर्सनालिटी और सोनिया की इटालियन, तो ये भी बात थी। उनका ये मौकफ है कि अब हम अमन की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम मुश्किलात में हैं। अच्छा। हमारे पास पैसे नहीं है, अमेरिका के साथ दोस्ती खराब हो चुकी है, घिर गए हैं, उधर अफगानिस्तान में भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उन और हमारी मईशत बहुत संजीदा क्राइसिस में फंसे हुए हैं, और पैसे डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के लिए कम होते जाएंगे या बढ़ नहीं सकेंगे इन हालात में। तो इसलिए उन्होंने ये सोचा कि ये इस वक्त पाकिस्तान कमज़ोर है, अब पाकिस्तान की ठुकाई करनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये ड्रामे सारे किए। मगर देखा, ड्रामा किया और एक ठाक करके उन्होंने एक हमें धक्का दिया और हमने ठाक कर दिया। अच्छा। तो फिर उन्होंने सोचा कि इनको ऑन अलर्ट रखना चाहिए ताकि इनके खर्चे होते रहें। अलर्ट पे रहेंगे तो खर्चे होते रहेंगे, इनकी मईशत अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी आपने देखा नहीं है, 24-25% डिफेंस एक्सपेंडिचर पिछले 3 माह में बढ़ा दिया गया बिकॉज ऑफ दिस इशू। और ये ज्यादा देर हम नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर 2-3 साल हमें डिफेंस एक्सपेंडिचर हर साल 15-20% बढ़ाने पड़ गए ना, जहाँ रेवेन्यूज गिर रही है और ग्रोथ नहीं हो रही, तो बटा बैठ जाएगा, जो भी रह गया वो भी फारग हो जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ इंडिया जानता है इस बात को, इंडिया समझता है कि आप कमज़ोर हैं इस वक्त वो हम, और नरेंद्र मोदी अब बड़ी बिगर मेजॉरिटी के साथ आया है। मैं ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी इस वक्त अगर आपके साथ, पहली बात तो ये है कि अमन की बात नहीं करेगा। अच्छा। मगर दुनिया को ये नहीं दिखाएगा कि हम नहीं करना चाहते, कोई नहीं ये कहना चाहता कि हम अमन के खिलाफ हैं, तो इसलिए मुँह से तो कार्रवाई करेगा कि जी नहीं नहीं हम तो चाहते हैं, मगर पाकिस्तान पहले ये करे। एक तो FATF जी, आपने देखा कि अमेरिका ने
और बरतानिया ने इन लोगों ने मिल के FATF का हेड बना दिया इंडिया को, बिल्कुल एशिया पैसिफिक ग्रुप का। हमने कहा कि तब्दील करें, ये तो वेस्टेड इंटरेस्ट है, कौन कर नहीं तब्दील करते। आज आपके लोग जाके इंडिया की एक कमेटी है उसके ऊपर इंडिया बैठा हुआ है, उसके आगे जाके आप अपनी सिफारिशें दे रहे हैं। ठीक, इंडिया आपको टाइट करके रखेगा। अच्छा, ये मेरी तज्जिया है। ठीक, पावर गेम, यहाँ कोई प्यार मोहब्बत की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी बड़ी मैंडेट के साथ आया, एंटी पाकिस्तान मैंडेट लेके आया, उसका एंटी पाकिस्तान पॉलिसी कामयाब हो गई है दो तरफ से, एक तरफ डोमेस्टिकली और एक तरफ एक्सटर्नली। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि आपने आपको उससे डिफेंसिव पे डाल दिया। उधर से अमेरिका के साथ ताल्लुकात वो मैं फिर डिस्कस करता हूँ, टाइम है। नहीं नहीं सर, अभी हमने ब्रेक पे जाना तो मैं फिर आपको, तो मैं ये समझता हूँ कि पहला रीज़न ये है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि पाकिस्तान के साथ अमन की बातें करें। प्रेशर इनफैक्ट ये है अपनी कंस्टिट्यूंसी का और उसके जो अपने डायलेक्टिक है कि पाकिस्तान को टाइट करके रखे, इसलिए बातचीत वो जरूर कहेगा, हाँ हाँ करें करें करें, कंडीशंस लगा देगा। आप सम जीरो गेम खेलते हैं कि जी नहीं, हम आप कंडीशन लगाते हैं तो हम भी लगा देते हैं, आप ये कहते हैं तो हम भी ये कहते हैं, आप कहते हैं टेररिज्म डिस्कस हो रहे हम भी कश्मीर, बातचीत नहीं होगी ऐसे।